किसके नाम की पूजा करवानी है? मेरे दोनों बच्चों के नाम की, बेटी सवी और बेटा विनायक। अरे वाया, विनू दादा के लिए भी पूजा करवा लियो। हाँ बाड़ा, अब विनू दादा आपके दादा हैं, तो उनके नाम की भी पूजा होनी चाहिए ना। हाँ, होनी तो चाहिए। पूजा किसके नाम की करानी है? मेरे बेटे विनायक के नाम की। आपने अभी दो बच्चों का नाम बोला है ना पूजा के लिए, लेकिन यहाँ तो एक ही बच्चा है और आपका कुटुंब भी नहीं है। देखिए, शास्त्र कहता है कि हम कोई भी पूजा या अनुष्ठान कुटुंब के साथ करते हैं तो उसकी पूजा का फल दुगना हो जाता है। पंडित जी, कुटुंब क्या होता है? कुटुंब मतलब परिवार, फैमिली। तो हमारा कुटुंब भी यही है। मीनू दादा भी यही है और पापा भी यही है। पापा, मीनू दादा आप भी मेरे साथ आओ ना। हमारे पंडित जी कहना है पूजा में पूरा परिवार होना चाहिए। विराट, अपनी एक वाइफ की महानता पे भाषण देना एक बात थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भावनाओं में बह के यहाँ से उठ के नहीं जाओगे। यहाँ पे तुम्हारे बेटे की पूजा भी हो रही, तुम यहीं बैठोगे। पापा चलो ना, प्लीज चलो हमारे साथ, चलो ना बाबा। पंडित जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए? अभी तक पूजा शुरू नहीं हुई है, आप चाहे तो उठ सकते हैं। विराट, पापा विनीता तो साथ में क्यों नहीं आए? पंडित जी, क्या मैं इस हवन कुंड को उठाकर कहीं और स्थापित कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैंने अभी पूजा शुरू नहीं की है, आप कर सकते हैं। सभी बाड़ा यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। अरे आप भी आओ ना, आपके बिना पूजा कैसे होगी? दादा ने ये बहुत अच्छा किया, पूरा परिवार साथ में बैठा है, दोनों बच्चों के लिए इससे अच्छा पूजा तो हो ही नहीं सकती थी। बोलने के पहले थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करना, क्या सही लग रहा है तुझे? एक पति बैठा है और बगल में उसके बच्चे के दो दो माएं बैठी हैं। भूमि, सही गलत देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। दोनों बच्चे पूजा में बैठे हैं, दोनों खुश हैं, मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। कुछ नहीं कहेंगे काकू।
जब तक इस पूजा से मेरे पोते का भला हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसे भी बैठे। हे महादेव, अब आपको ये तय करना है कि मेरा वेणु किस माँ के साथ रहेगा, क्योंकि ये फैसला करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। जानती हो ना सही, ये प्रसाद मेरी उन प्रार्थनाओं के लिए है जिसमें मैंने मांगा है कि मेरा वेणु मुझसे कभी दूर ना जाए। और तुम ये प्रसाद स्वीकार कर रही हो, इसका मतलब तुम मेरी प्रार्थनाओं में मेरा साथ दे रही हो। ईश्वर सबके लिए एक ही है पत्र लिखा, तुमने भी उन्हीं से प्रार्थना की है और मैंने भी उन्हीं से प्रार्थना की है। उन्हें सबकी इच्छाएं, जरूरतें, सही गलत सब कुछ पता है। अब ये महादेव पर निर्भर है कि वो किसका साथ देंगे, और मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है, इसलिए उनके नाम के प्रसाद को मैं मना नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे के नाम का प्रसाद बांट रही हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, और तुम ये प्रसाद स्वीकार कर रही हो, लेकिन अपनी हार नहीं। तुम्हारी ये सिद्ध, ये घमंड तुम पर बहुत भारी पड़ेगा सही। तुम अभी भी इस मामले को अदालत में ले जाना चाहती हो, ऐसा मत करो। मेरी बात मानो, तुम अदालत में मत जाओ। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं। तुम जब भी चाहो वीनू से मिलने आ सकती हो, जैसे विराट आता है तुम्हारे घर सभी से मिलने। मैं सच में कुछ नहीं कहूंगी, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं। हाँ तो यही ऑफर मैं तुमको करती हूँ, वीनू मेरे पास रहेगा और तुम्हारा जब भी मन करे उसे मिलने आ जाना, मैं भी मना नहीं करूंगी। और मैं तुम्हारे ऑफर को और बेहतर कर देती हूँ, वो तुम्हें मामा बोल सकता है, वो उसकी मामा होगी और मैं उसकी आई। अगर तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है तो मैं फौरन केस वापस ले लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए सही, मैं मेरे वेणु को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा मेरे जीने की इकलौती वजह है, उसे मुझसे छीनना मतलब मेरी जिंदगी छीनना है, और वो मैं होने नहीं दूंगी। मेरा वेणु मेरे पास ही रहेगा। तुम मुझे मेरा बेटा वापस नहीं कर रही हो और मुझसे चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा दे दूं। नहीं पत्र लेखा, मैं तुम्हें अपना वेणु नहीं दूंगी। मैं भी एक माँ हूं और मैं अपने वेणु को वापस लेके रहूंगी। प्रसाद,
मैं ये प्रसाद नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं में अपनी हामी नहीं मिलाने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं। मैं बस एक माँ हूं, और एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से भी बैर ले सकती है।